सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल भारती मोबाइल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल भारती मोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि है वाइट चेरी का मोबाइल फ़ोन है, स्पिनर मोबाइल फ़ोन है। इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फंक्शंस मिल जाएंगे और ये प्राइस में भी काफ़ी अच्छा है। प्राइस आपको सिर्फ रहने वाला है 400 रुपये। तो इसका मैं आपको कई लोग बोलते हैं दोस्तों, कई कमेंट आते हैं मेरे पास कि आप प्राइस दिखाते नहीं हो। यहाँ पर देखिए 409 रुपीज़ यहाँ पे दिया गया, लेकिन ये आपको 400 रुपये में ये मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा है, मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए आपको बना के वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी मेरे पास ये फ़ोन आया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास सबसे पहले वो पहुँच जाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिलहाल मेरी आवाज़ है थोड़ी ख़राब है, तो अगर आपको कुछ समझ आए या कोई दिक्कत आए तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों इस वीडियो फ़ोन को अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप चैनल को, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको फीचर्स की बात करते हैं, तो काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश फ़ोन है। ये देखिए यहाँ पे आपको GSM मिल जाएगा, ड्यूल सिम मिल जाएगी, यहाँ पे दोनों ही स्टैंड बाय हैं। 3.65 इंच की सेंटीमीटर की यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगी, स्पीकर मिल जाएगा। साइज की बात करें, बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे दी नहीं गई, हाई कैपेसिटी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये यूज़ करके देखा है तो 2 दिन आपकी बैटरी है जो आराम से निकाल जाती है। तो यहाँ पर मोबाइल स्पिनर, ऑडियो, FM, ब्लूटूथ, वीडियो प्लेयर, MP4 प्लेयर, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं कि कैसा है ये मोबाइल आपके लिए। दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा मुझे फ़ोन, इसलिए मैं ये निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, फ़िलहाल प्राइस भी काफ़ी कम है, 400 रुपये, फिर सिर्फ 400 रुपये में ये फ़ोन आपका हो सकता है। तो ये फ़ोन है काफ़ी अच्छा और काफ़ी लुक वाइज काफ़ी अच्छा स्टाइलिश सा फ़ोन है। फिलहाल हम फ़ोन को करते हैं साइड पे और सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज इसमें आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे एक्सेसरीज कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक केबल मिलने वाली है जो कि है माइक्रो USB केबल चार्जिंग के लिए। इसके फिलहाल आपके यहाँ पे चार्जर या हेडफोन की बात करें तो आपको कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फ़ोन की तरफ चलते हैं, काफ़ी स्टाइलिश फ़ोन है, काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, गोल्डन कलर में फ़ोन आपको ये मिलेगा, तो आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा है। तो ओवरव्यू की बात करें तो फ्रंट में आपको यहाँ पे कुछ स्पीकर मिल रहा है, यहाँ पे कुछ लाइटिंग वगैरह दी गई है, दोनों साइड पे लाइटिंग है, नीचे भी यहाँ पे लाइटिंग है, यहाँ पे बटन दिए गए हैं। ये देखिए स्पिनर है, कुछ इस तरह पे आप घुमा सकते हैं इसे, यहाँ से पकड़ के ऐसे कुछ आप चाहें तो आप इसे फ़ोन की तरह और एक स्पिनर की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है दोस्तों देखने में और काफ़ी अच्छा लगता है इसे यूज़ करने में। मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक माइक मिल जाएगा और साथ में है दोस्तों एक माइक्रो USB केबल चार्जिंग के लिए। इस साइड आपको कुछ खास में नहीं मिलने वाला, ऊपर भी आपको कुछ खास नहीं है और इस साइड भी कुछ नहीं मिलने वाला है। बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है जो काफ़ी बड़ा दिया गया है, लेकिन है छोटा सा, अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं ओपन करके बैक से आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हम इसे निकालते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें आप मेमोरी कार्ड डाल पाएंगे, 2 सिमें डाल पाएंगे, यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है कि जिसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। मैंने इसे यूज़ किया तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, आपको रिंगटोन वगैरह सुनने में या म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो वो भी अच्छी तरह सुन सकते हैं। तो चलिए अभी इसे ऑन कर लेते हैं और फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए वाइट चार्ज लिखा हुआ, आप देखिए काफ़ी देखिए लाइटिंग काफ़ी प्यारी है। जब ये लाइटिंग जो नीचे और ऊपर जल रही थी, ये जब फ़ोन आता है तब भी जलती है। आप इसकी आवाज़ स्क्रीन देखिए, स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए जैसे ही मैं इसे दिखाता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस आप देखिए, मल्टीमीडिया वगैरह, या ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे आप कुछ भी अगर चाहें तो आप यूज़ कर पाएंगे। देखिए कार लॉग आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारे और भी फंक्शन है जो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं फंक्शंस के बारे में प्रॉपर बता देता हूँ आपको कौन कौन से मिलने वाले। यहाँ पर मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखिए मैसेजेस कॉन्टैक्ट भी आप इसमें सेव कर पाएंगे। और सॉरी तो यहाँ पे आप मल्टीमीडिया वगैरह म्यूज़िक वगैरह ऑडियो गेम्स खेल पाएंगे आप। यहाँ पे एप्लीकेशन काफ़ी कुछ एप्लीकेशन आप इसमें इंस्टॉल भी कर पाएंगे। उसके बाद आपको कैलेंडर वगैरह यहाँ सेटिंग में चलते हैं, तो यहाँ पे सेटिंग में हम चलते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। अब देखिए आप लाइट को कंट्रोल कर पाएंगे, जो सामने जल रही थी उस लाइट को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए ऑडियो प्लेयर मिल जाता है एसी के बीच में जाके। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फंक्शन जैसे डिस्प्ले के रिगार्डिंग काफ़ी सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे। सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो सिक्योरिटी में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ क्या क्या मिलने वाला है इसमें। आपको पिन लॉक वगैरह या जो भी आपकी सिक्योरिटी दूसरे फ़ोन से मिलती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अगर इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें आसानी से चला पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे निशान दिया गया, यहाँ पे जाके आप इंटरनेट वगैरह भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे ले चलता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ऐसे ओके करेंगे तो ये खुल जाएगा। लेकिन काफ़ी छोटी स्क्रीन है तो, लेकिन एक अच्छी और क्वालिटी जो स्क्रीन की है वो काफ़ी अच्छी है इस फ़ोन की, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी है स्क्रीन की, और देखने में काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आप आसानी से इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, और अच्छी बात है कि एक स्पिनर अगर आप यूज़ करते हो तो 400-500 रुपये का आजकल स्पिनर ही है जो 400-500 रुपये के आते हैं, तो आप फ़ोन भी ले सकते हो। 400 रुपये का फ़ोन है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप 2G वगैरह यूज़ करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है फ़ोन, आप फ़ोन का फ़ोन और स्पिनर का स्पिनर इसे यूज़ कर सकते हो। क्वालिटी स्पिनर की काफ़ी अच्छी है, अगर यहाँ पे बीच में देखें तो बैरंग काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो कुल मिला के एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मेरे पास आई थी जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आवाज़ के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब है, काफ़ी गला ख़राब है, तो इसलिए आपको प्रॉपर समझ नहीं आ रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारी वेबसाइट पे विजिट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ क्लिक करके आप वेबसाइट में विजिट कीजिए। आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक्स वहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग ट्रिक्स या काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन्स के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, रिव्यू के बारे में वहाँ पर जान पाएंगे आप। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।